हेलो एवरीवन अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और नॉलेज का चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये सुबह छः बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को तो दोस्तों ये जो हमारी क्लासेस है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के लिए डिटेल्ड एंड एम सी क्यू करेंट अफेयर जो कि बेसिकली यू पी एस सी एग्ज़ाम्स को पॉइंट करके बनाया गया है ठीक है और यदि आप स्टेट पी एस सी और बैंक एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए परफेक्ट एक कोर्स हो सकता है यह बाइलिंग वाली आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी तरफ से और ये कोर्सेज़ कम्पलीटली फ्री हैं तो यदि अभी तक आपने नॉलेज का एक कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको रिसेंट जितने भी वीडियोस होते हैं उनसे रिलेटेड हैंडआउट्स आपको इजीली वहां पर मिल सके सोच चलिए दोस्तों आज है ट्वेंटी जुलाई और ट्वेंटी जुलाई का जो करंट अफेयर है मैं बता रहे आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सो स्टार्ट करते हैं तो एज़ यूजल जैसा कि हम सभी करते हैं कि Uh, किसी भी एक मंथ मन जिस मंथ का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे होते हैं उसके सारे डेज को हम एक सीट में डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ सो दैट आप डेली जब ये चीज़ हिट करेगी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तो काफ़ी ज़रूरी होता है बस डेली आपको सुनते जाना है तो फर्स्ट जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है सिक्स जुलाई को वर्ल्ड यूनिवर्सर्स डे होता है अलेवेंथ जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेवेंटीथ जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एटीनथ जुलाई इंटरनेशनल नैनसल मंडेला डे एंड ट्वेंटी जुलाई वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे और 18 जुलाई को अभी नैसल मंडेला डे था तो उस डे पर जो है नेन्शन मंडेला डे के अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो उन्हें भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल ऑलगाइज ठीक है इसके बीच 15 जुलाई को भी रिसेंटली हमने वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम थी स्किल फॉर अ रेजलेंट यूथ एंड वर्ल्ड चेस डे अभी रिसेंटली ट्वेंटीथ जुलाई मतलब कल ही सेलिब्रेट किया गया और जिसकी थीम थी चेस फॉर रिकवरिंग टर है ना सो ये दो डेज इनकी थीम्स आपको याद रखनी है तो हम बात करते हैं हमारी पहली न्यूज़ की एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एस्पायर है ना एस्पायर एक न्यू ई पोर्टल जो है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सभी चीज़ें एस्पायर का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ दी ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन एजुकेशन तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की हम बात कर लें तो फुल फॉर्म है ऑटोमोबाइल या ऑटोमेटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन दैट इज़ नोन एज अस्पायर इन शॉर्ट फॉर्म और इसको किसने लॉन्च किया हम बात करें तो इसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आई सी ए के द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिस पोर्टल इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटी डिसाइडेड बाई डिवाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हैव इंडस्ट्री डी एच आई डिपार्टमेंट ऑफ हैव इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेक्रेटरी हैव इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इनोवेशन रिसर्च इन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट इन इंडिया हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ की नोट्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होना दैट द की ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पोर्टल इज टू मेक इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज सेल्फ रेलियंट बाय असिस्टिंग इन इनोवेशन एंड अडोप्टेड फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाई कनेक्टिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स तो बेसिकली एक ऐसे स्कीम बनाई जा रही है जिसमें इंडियन ऑटोमोटिव सेंटर्स को बूस्ट किया जाएगा आई टीबल्ड एस्पेक्ट की हेल्प से आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होंगी दे आर टू बी डीम टू प्रमोट आर एंड डी मतलब रिसर्च इंड डेवलपमेंट को इंडिया में प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए उनटर बैतर, उनके बेटरमेंट के लिए ठीक है उनको एक अच्छे लेवल पर ग्लोबलाइज uh, कॉम्पिटेटिव लेवल पर उनको ले जाने के यहाँ पर जो एक एम है वो इंडिया का चल रहा है ठीक है और जिससे मार्केट रिसर्च टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट तो ये सारी चीज़ों के बेटरमेंट के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा और दिस इज़ अंडर द बोर्ड ऑफ अम्ब्रेल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे इंडस्ट्रीज है ना तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे इंडस्ट्रीज़ की गाइड लीडरशिप uh, में काम करेगा ठीक है जो कि आर एंड डी को कंट्री में प्रमोट करेगा ऑटोमेटिव सेक्टर में यहां पर पांच पोर्टल हैं जो कि डेवलप किए जा रहे हैं इस पूरी आ, एम इस पूरी चीज को कवर अप करने के लिए इसमें एक बी एच ई एल होगा बी एच ई एल के लिए रिकवर किया जाएगा जो कि पावर सेक्टर को बूस्ट करेगा पावर सेक्टर इक्विपमेंट को बूस्ट करेगा एच एम टी जो कि मशीन टूल्स को बूस्ट करेगा सी एम एफ टी आई जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप किया जाएगा और आई सी ए टी और ए आर ए आर ए आई जो होगा वो ऑटोमेटिव सेक्टर्स के लिए बनाया जाएगा तो बेसिकली पांच तरह के पोर्टल यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं एस्पायर के तहत तो याद रखना है आपको ये पांचों के पांचों पोर्टल जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ऑटोमेटिव को ऑटोमेशन को बूस्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो आई सी ए टी की अगर हम बात करें तो ये एक लीडिंग वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर्टिफिकेशन एंड आर एंड डी सर्विसेस प्रोवाइडर जो होते हैं ठीक है वो सभी के सभी जो होते हैं एन ई टी आर आई पी यदि हम बात करें नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडी है तो स्पायर प्रोजेक्ट आप सभी के गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंटिव्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है तो पांच तरह का पोर्टल यहाँ पर बनाया जा रहा है उन पाँचों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान रखनी है एक बी के लिए जो कि पावर सेक्टर इक्विपमेंट में काम करेगा एच जो कि मशीन टूल के लिए होगा सी एम एफ टी आई जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए होगा और आई सी ए टी और ए आर ए आई जो होगा वो ऑटोमेटिक सेक्टर्स के लिए काम करेगा पोर्टल तो पाँचों के पाँचों पोर्टल काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप सभी के लिए आगे हम बात करते हैं द मोबाइल ऐप के बारे में जो कि लॉन्च की, की गई है दैट इज दी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है ना आत्मनिर्भर निधि जो है ये लॉन्च करी गई अब ये एप्लीकेशन है क्या तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है बेसिकली और ये जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे ठीक है देखिए दो तरह की स्कीम्स हैं ये एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सावनिधि जो है ये बेसिकली एक मोबाइल ऐप है लेकिन इसके तहत एक बहुत छोटा अमाउंट का लमसम लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा हम सभी को बताएं कि कोविड नाइन्टीन के चलते लॉकडाउन रहा लॉकडाउन की वजह से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनकी लाइवलीहुड का अकेला एक जरिया था वो वेंडरिंग वो उनसे छिन गई कहीं ना कहीं ठीक है अब यदि वो अपनी परिवार को वापस से अपनी लाइवलीहुड को वापस से ट्रैक पर लाना चाहते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को वापस से ट्रैक पर लाना चाहते तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो वेंडरिंग स्टार्ट कर सके अपनी शॉप खोल सकें और उसके लिए उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने हमारी जो इस गवर्नमेंट है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सवानिधि परियोजना जो है वो शुरू की है सवानिधि परियोजना में क्या किया जाएगा कि भाई सभी वेंडर्स को दस हज़ार रुपये जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ क्रेडिट और ये एक रिवॉल्विंग क्रेडिट होगी मतलब आप इसे एक बार चुका कर दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं इसको हमने ऑलरेडी डिटेल uh, में डिस्कस uh, कर लिया वो हमारी फाइनेंस uh, जो स्कीम रही है इकोनॉमी uh, पार्ट रहा है उसमें ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आपको uh, एक साल के अंदर उस मंथली uh, पेमेंट से उस uh, दस हज़ार रुपये को चुकाने होंगे और तो साथ ही टाइमली पेमेंट पर इसे ईयरली बेसिस पर सेवन परसेंट की एक इंटरेस्ट uh, सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी ठीक है तो यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च करी गई है जो कि एक यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस बनाएगी जिसके थ्रू जो लोन एप्लीकेशन है वो इजीली फिल फाइल कर सकते हैं ठीक है तो समझने की कोशिश करनी है कंफ्यूज नहीं होना है आत्मनिर्भर जो निधि है इसके तहत एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उस लोन को इजी बनाने के लिए एक इंटरफेस डिज़ाइन किया गया मोबाइल ऐप जिसके थ्रू सावन निधि ऐप जो है आ, सावन निधि स्कीम जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं लोकल वेंडर्स अपने लिए इसका एम क्या है इस ऐप को लॉन्च करने का जो मेन एम ये है कि कंट्री में छोटे से छोटे लेवल पर भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एस्पेक्ट को जो है वो लाया जा सके डिजिटल भारत इनिशिएटिव जो है उसको जल्दी से जल्दी अच्छे लेवल पर जो है अचीव किया जा सके और वही हम बात करें इस मोबाइल ऐप की तो ये जो मोबाइल ऐप है ये प्रमोट करेगा पेपरलेस डिजिटल मोड ऑफ एसेसिंग और फाइलिंग दी लोन एप्लीकेशन अगेंस्ट दी लोन फॉर पी एम सवानिधि स्कीम जिसमें कि दस हज़ार की लोन जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी और इस पूरी प्रोसेस uh, को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अनवन अफेयर्स जो है वो डील करेगा बात कर लेते हैं ज़रा कि भाई प्रधानमंत्री सवानिधि स्कीम क्या है तो कोविड लॉकडाउन की वजह से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हैं उन अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे उनको इस uh, इस स्कीम के तहत दस हज़ार रुपये का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और इस लोन को मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा सकता है प्लस इसकी टाइमली पेमेंट करने पर सेवन परसेंट पर एन की जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी आगे बात करते हैं सिविल राइट्स लीडर कोरेडी टिंडेल विवियन पासिस ठीक है दोस्तों काफी एमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं ये है ना तो यहां पर ये सिविल राइट्स के बैठन थे सिविल राइट्स के बारे में जाने माने व्यक्ति थे इनका हाल ही में निधन हो गया है हाल ही में निधन हो गया है आ, और इन्हें मार्टिन लूथर किंग के तहत माना जाता था और यहां पर यदि बात करें ही ऑल्सो लेड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एंड द दिन प्रेसिडेंट इन टू ठीक है तो ये पॉलिटिकली भी एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंट पर्सनालिटी रहे ही आल्सो हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द फ्रीडम राइट्स टू द इंट्रीगेट बसेस अक्रॉस द साउथ एंड द ट्रेन वेव्स ट्रेन वेव ऑफ एक्टिविस्ट इन द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट तो बेसिकली ये गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल से भी नवाजा जा चुका है प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा जो कि एक काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज़ भी होता है आगे हम बात करते हैं होप मिशन की होप हम सभी को पता है किसका यूनाइटेड अरब एमिराट्स का एक मिशन है जो कि मिशन ऑन मार्स आ, के तहत आ, जैसा है भारत का ठीक है दोस्तों तो जो होप मिशन है वो यूएई का एक मार्स मिशन है यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आ, होप टाइटल्ड मिशन रहा है वो यूएई का यूनाइटेड अरब अमीरात का एक मार्स मिशन रहा है ठीक है और यहाँ पर आ, जो एम है ना यूएई का है टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ मार्स एटमोसफेयर तो बेसिकली मार्स के एटमोसफेयर की स्टडी के लिए यहाँ पर ये यह होप मिशन गवर्नमेंट यू ए गवर्नमेंट के, के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको हम आगे डिस्कस करें कि यहाँ पर एक अनमेंड एक अनमेंड उपग्रह जो है वो लॉन्च सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी गई है जिसका नाम होप रखा गया है, है ना क्लियर और आ, प्रो ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम जापान जापान टेंजमा स्पेस सेंटर तो यहाँ पर इसको जापान से लॉन्च किया गया था कब लॉन्च किया गया था ये टाइमिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट लॉन्च कहाँ से किया गया था ये जरूर इंपॉर्टेंट है और ये मास की ऑर्बिट में फेबरी 2021 में एंटर करेगा फेबरी 2021 में एंटर करेगा और इसका जो पूरा पीरियड होगा है ना ये सिक्स डेज का होगा ठीक है अब बात ये करते हैं कि भाई ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि हम मार्स मिशन है क्या होप मिशन जो है क्या तो ये जो होप मिशन है इसका ए, इसका जो एम है ये मैनकाइंड के पहले इंटीग्रेटेड मॉडल बनाने का है जो कि रेड प्लानिट के एटमॉस्फेयर में रेड प्लानेट मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर में जा सकेंगे ठीक है अब यहाँ पर ये मिशन इंक्लूड क्या क्या कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमिलॉट एक्सप्लोडेशन इमेज और एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा को इंक्लूड कर रहा है जो ऐसे इमेजर काम करेगा और वहाँ की एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारी इमेजेस को अर्थ पर जित अर्थ पर साइंटिस्ट के पास भेजेगा इसके अलावा एमरेड्स मार्स अल्ट्रावाइलेट स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें लगाया गया है जो कि यूवी इमेजिंग के लिए लिया जाएगा एमेरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें लगाया गया और एफ स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस अनमेन्ड सेटेलाइट uh, में मन में अनमेन रॉकेट में लगाई गई है इट विल स्टडी दी मार्टिन इट विल स्टडी दी मार्चन एटमोस्फियर एंड इट्स इंट्रैक्शन विथ आउटर स्पेस एंड सोलर विंड्स ठीक है तो बेसिकली वहाँ के एटमोसफेयर की स्टडी के लिए पूरा ताम झाम किया जा रहा है है ना और ये जो स्टडी होगी इसकी स्टडी हेल्प करेगी uh, मार्स के एनवायरनमेंट को समझने में और एटमोसफियर के साथ उसकी चीज़ों को जानने में भाई हम बात करते हैं कि भाई ये मांस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों माँस पर लगातार इतनी स्टडीज़ हो रही इंडिया ने भी मिशन ऑन माँस किया तो क्यों क्या तो बेसिकली देखिए जो मिशन जो मांस का एटमॉसफियर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है ठीक है इज्स टू कोल्ड एंड थिन टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू लिक्विड वाटर ड्यू टू लॉस ऑफ एटमोसफियरिक ग्रेस एंड स्पेसिस तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो एटमोसफियर है मास का इट इज़ फेवरेबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर तो यहाँ पर वाटर होने की संभावना और यदि वहाँ पर पानी है तो डेफिनेटली इस चीज़ की भी संभावना बन सकती है कि वहाँ पर जीवन संभव हो तो बेसिकली uh, ये चीज़ें uh, मानव जीवन को वहाँ पर खोजने की या वहाँ पर बसाने की एक नई पहल और प्रक्रिया है जैसे कि हम सभी जानते हैं ठीक है और यहाँ पर रिवर uh, वेट्स और मिनरल्स आदि की इस uh, आदि की खोज में भी यहाँ पर चीज़ें लगाई जा रही हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर ये डिटेल्ड हैंड आउट है इसको जब आपको मिल जाएगा तो आप एक बार स्टडी यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं एमिनेंट मैथमेटिशियन सी एस सर्दरी पासिस अवे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमेज को भी ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं और मैथमेटिशियन है, काफ़ हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं ठीक है और उन उनको याद किया जाता है इनके लिए एल्जैब्रिक ज्योमेट्री में किए गए इनके काम के लिए एल्जैब्रिक ज्योमेट्री में इनके द्वारा किए गए काफ़ी सारी उत्कृष्ट काम के लिए इनको याद किया जाता है और इन्हें दो हज़ार नौ में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है जो कि हमारा थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मोरिसाना कोयोते और मरियाना वर्दिनो यानी इसको 2020 के लिए नैनसन मंडेला प्राइज़ जो है वो दिया गया है अब हम दोनों के बारे में बात कर लें तो मरसाना क्योरटो के बारे में हम बात करें तो ये जो बेसिकली है एक काफ़ी फेमस फिगर हैं जिन्होंने अफ्रीका में वायलेंस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी और फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना वहाँ की बच्चों को करना भी पड़ता है महिलाओं को करना पड़ता है तो उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है वहीं मरियाना आ, वर्डिनो यानी इसके हम बात करें तो ये आ, पिछले तीस सालों से ये पिछले तीस सालों से उन आ, बच्चों के साथ काम कर रही हैं जो कि चाइल्डहुड में कैंसर से फाइट कर रहे हैं या कैंसर से जूझ रहे तो बेसिकली इन दोनों के अवार्ड दिया गया और ये नैनसल मंडेला की याद में दिया जाता है जिन्हें अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं नैसल मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है इसके अलावा कुछ और शॉर्ट न्यूज जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी था तो उसमें है एक बुक जो नई लॉन्च हुई है जिसका नाम है द एंड गेम जिसे ऑथर्ड किया है हुसैन जैदी ने इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने दो में हंगेरियन ग्रांड पिक्स को जीता है और यूपी गवर्नमेंट ने नवीन रोजगार छतरी योजना जो है वो लॉन्च की है एस के लिए शेड्यू शेड्यूल कास्ट के आ, लिए इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 21 तारीख के करंट अफेयर खत्म होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इनिशिएटिव थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच अपने व्यूज़ देना दें लाइव चैट के थ्रू